बाबर आजम की पोजीशन आईसीसी ने अनाउंस करी नंबर 9 पे। ये बाबर आजम के लिए बहुत अच्छा हुआ है और वनडे में भी उसको नीचे लाना चाहिए। वनडे में वो नंबर 1 बैटर नहीं है, मैं तो नहीं मानता। टेस्ट की रैंकिंग जारी की है और इसको देख के एकदम से हैरानगी होगी कि भाई एक टेस्ट मैच की बुनियाद के ऊपर आपने बाबर को नंबर 9 पे फेंक दिया, नंबर 3 से नंबर 9 पे फेंक दिया, -6 जिसको कहते हैं ना, बाबर की रेटिंग गिरी है। 4 घंटे की रैंकिंग कोई क्राइटेरिया नहीं है, आज बाबर आजम 3 से 9 पर आ गए हैं। क्या क्राइटेरिया, मैं बता रहा हूँ आईसीसी वालों, ये नहीं करना। मेरे किंग ने इस रैंकिंग के लिए ही क्रिकेट खेली है, इस रैंकिंग के लिए ही यूएसए से हारी है मेरी टीम, इस रैंकिंग के लिए जिम्बाब्वे ने मारा, इस रैंकिंग के लिए अफगानिस्तान ने लिटा के मारा। कि जे शाह के जी चेयरमैन बनने के चांसेस हैं आईसीसी के, तो अब वो बन चुके हैं और उनके बनते ही बाबर आजम रैंकिंग में नीचे आए हैं, तीसरे नंबर से 9वें नंबर पर गए हैं। अभी भी इस घंटे के फैंस सोशल मीडिया पे बवू कर रहे हैं कि बाबर के साथ ज्यादती होगी या फलाना होगा तो टमका। अब भाई शर्म कर लो थोड़ी सी, हया कर लो थोड़ी सी। अब वो टॉप 10 से बाहर होगा, अब वो किसी भी रैंकिंग्स में आपको नजर नहीं आएगा। मतलब आप कह रहे हो भाई बाबर बैड फॉर्म, तो बाबर बैड लक, तो बाबर घंटे गए, इतनी लंबी बैड लक किसी की नहीं होती। राजेश के खिलाफ फेल हुआ ना, और जी बाबर ने मरवा दिया, मतलब बाबर ही करवा रहा सब कुछ और कुछ भी नहीं कर रहा। अब तो वो कप्तान भी नहीं है, अभी देख मेरी बातें याद रखिएगा, अब वो कप्तान नहीं है, उसके बावजूद ही ब्लेम बाबर पे आ रहा है। और जी पाकिस्तान क्रिकेट जी बाबर ने बर्बाद की। बाबर आजम के हवाले से क्या कहेंगे पूरी दुनिया है, जो इनके जो सोशल मीडिया की जो फैन है, ये इनके सोशल मीडिया की जो आर्मी है, वो इनको किंग कहते कहते नहीं थकती है। रमीज राजा भी कहते रहे कि जनाब बाबर आजम इतना अच्छा खेलता है कि मैं इससे शादी कर लूं, किंग कहा जाता है। और अब इनकी रैंकिंग भी जो है इसमें डिक्लाइन आया इनकी रैंकिंग में। नहीं, बाबर आजम का अपना दिमाग खराब हुआ है। अच्छा, वो जो अपना अब उसका देखें, पिछले मैच में आउट हुआ है, टांग ही नहीं निकालता, वहाँ खड़े खड़े खेल लेता है, इंसान आज हो जाता है। पूरी भाई टांग निकालो, पूरी मेहनत करो। वो ऐसे समझता है कि मैं यहाँ से जो मर्जी कर लूं, ऐसा तो नहीं चलता। ऐसा लगता है कि पूरे पाकिस्तान को कोई और मसला नहीं है मां सिवाय बाबर आजम की फॉर्म के। और खैर, क्रिकेट क्योंकि हमारी रगों में बसती है, पता नहीं कितनी देर तक बसेगी अगर इसी तरह से टेस्ट क्रिकेट में मैचेस हारते रहेंगे, क्योंकि फैन फॉलोइंग बढ़ती है जीत से। मेरा बाबर 9 पे कैसे गया, आईसीसी ने गलत किया। जब से जैसा आया मैंने क्या कहा, साजिश हो गई। भाई वो आईसीसी रैंकिंग्स जो हमारा मान हुआ करती थी, वर्ल्ड नंबर 1 बाबर आजम आईसीसी रैंकिंग में ये वो, और उस पे प्रमोशन होती थी, पेड कंपेनें चलाई जाती थी, मैच उस हुबारे से भी हवा निकाल के रख दी है आईसीसी ने। तीसरी रैंकिंग से बाबर आजम को धकेला है 9वें नंबर पे। कम आज वो जो रैंकिंग कार्ड खेला जाता था ना हमेशा, बाबर पे क्या बात कर रहे हो, बाबर तो टॉप 5 में आ रहा है टेस्ट में, बाबर के हवाले से तो बात करने की आपकी औकात ही नहीं है। आज के बाद वो रैंकिंग कार्ड जो है ना, वो खेलना लोग शायद बंद कर देंगे। जैसा कि आईसीसी चेयरमैन बनते ही टेस्ट मैच की रैंकिंग भी आ गई लेटेस्ट, और उसमें कई उतार चढ़ाव भी है। जी हाँ दोस्तों, जो रूट टेस्ट के नंबर 1 बैट्समैन बन चुके इस टाइम, वहीं बाबर आजम नंबर 3 से नंबर 9 चले गए, और ये सही रैंकिंग भी है क्योंकि ये बंदा रैंकिंग से हटता ही नहीं है। सारे प्लेयर ऊपर नीचे होते रहते, पर ये वहीं का वहीं रहता है, भले इसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, फिर भी आप देख सकते हो कि वनडे में अभी भी नंबर 1 है। पिछले 3 साल से कोई रन नहीं आया, सिर्फ नेपाल के खिलाफ शतक मारा इसने, फिर भी देख सकते हो नंबर 1 में है। जहां विराट कोहली, रोहित शर्मा शतक में शतक उन्होंने लगाए वनडे में, वो फिर भी नंबर 1 में नहीं है रैंकिंग में। वहीं अब जाके ऐसी रैंकिंग में टेस्ट मैच में नंबर 3 से नंबर 9 में आया है। वहीं रोहित शर्मा 6ठे में और जयसवाल 7वें और विराट कोहली 8वें में, और देख सकते हो जयसवाल 6ठे से 7वें में आया है, कोई मैच नहीं खेला जयसवाल ने, फिर भी उसकी रैंकिंग में गिरावट आ गई। और जैसे ही बाबर आजम रैंकिंग में नंबर 9 में पहुंचा, पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से बौखला गया, बोलने लग गया कि ये सब जैसा की चाल है, ऐसा कैसा हो सकता है कि एक मैच फ्लॉप होके बाबर आजम की 6 पॉइंट गिर जाए। अबे एक मैच फ्लॉप हुआ है, 15 से 18 इनिंग हो गई, बंदे ने 50 नहीं लगाई, फिर भी उसकी रैंकिंग घटने का नाम ही लेती। आज जाके उसकी माइनस हुई है रैंकिंग, और उसी में पाकिस्तानी मीडिया ऐसे बौखला गया जैसे जैसा ने अपने हाथ से कराओ, ये कुछ भी बोलने लग जाता है पाक मीडिया। इनको यही नहीं पता आईसीसी के पॉइंट कैसे बदलते हैं। भाई साहब वो तो पॉइंट बहुत कम करे इसके, -6 वरना अभी तो और गिनने थे। और देख सकते हो कि तन्वी हमें किस तरह से सपोर्ट कर रहा है बाबर आजम को, विराट कोहली से कंपेयर कर रहा है कि विराट कोहली के जितना बड़ा प्लेयर है ये। अब भाई काई का प्लेयर है, कोई बड़ा मैच तो गिना दे कि जो इसने जिताया कभी पाकिस्तान को, सिर्फ छोटी टीम के खिलाफ रन कर करके अपने रन बनाए और रैंकिंग में ऊपर आ गया। अबे पर अपनी टीम की रैंकिंग तो देख कहां पर है तुम्हारी, क्योंकि इसने सिर्फ छोटी टीम के खिलाफ रन करे, और जब बड़ी टीम आती है फ्लॉप हो जाता है और टीम हार जाती है। जब भी आईसीसी टूर्नामेंट होता है इसका फ्लॉप शो चालू हो जाता है, क्योंकि वहां पर बड़ी टीम आती है, वहां इसके पैर कांपने लग जाते हैं। और तन्वी अहमद तो ऐसे सपोर्ट कर रहा है जैसे इसका दबा दियो। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। बाबर आजम की पोजीशन आईसीसी ने अनाउंस करी नंबर 9 पे, और 10 पे रिजवान। बासित अली अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, ये बाबर आजम के लिए बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि
जो और वनडे में भी उसको नीचे लाना चाहिए, वनडे में वो नंबर वन बैटर नहीं है, मैं तो नहीं मानता, बाकी जो देने वाले हैं वो ही दे रहा है। ये बहुत अच्छा साइन है बाबर के लिए, अब उसको भूख लगेगी। अब अगर उसको भूख लगती है तो बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर अभी भी उसको भूख ना लगे तो बहुत तकलीफ होगी। जो ये ICC ने रैंकिंग अनाउंस करी है ना, मेरे ख्याल है बाबर के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए। ये घंटे का किंग करता है कुछ नहीं, और ICC ना इसको मतलब रैंकिंग्स में रैंकिंग्स दिया जाती है, ठीक है। अब ICC को भी इसकी बात पता चल गई कि ये घंटे का किंग है, ICC ने इसको उधर से उठा के उधर फेंका है, मतलब आप क्या लें आसमान से उठा के रूढ़ी में फेंका है बाबर आजम को टेस्ट रैंकिंग में। अब ICC की जो टेस्ट रैंकिंग आई है नहीं, उसमें बाबर आजम को तीसरे नंबर से उठा के 9वें नंबर पे मारा गया, 6 दर्जे तंजरी बाबर आजम की, मतलब आप कह लो। और अभी पाकिस्तान में ये ट्रेंड चल गया है, ये किस तरह हो सकता है कि जी एक टेस्ट मैच की से आप बाबर को किस तरह नीचे फेंक सकते हो, कम से कम 5वें तक फेंको। ये ना बाबर आजम के जो फैंस है ना, ये बहुत ही घटिया किस्म के फैंस है। विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट खेले कितना टाइम हो गया आप खुद ही देख लो, वो जनवरी में कोई साउथ अफ्रीका का गेम्स खेली थी, उसके बाद उसने खेली नहीं है, अभी भी वो 8वें नंबर पे है विराट कोहली। सोचो अभी वो इंग्लैंड वाली को सीरीज खेल जाता तो विराट तो पहले 3 में होता आपकी नजर में, लेकिन अब वो बंदे रैंकिंग्स के लिए सर नहीं खेलते। यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा 6वें पे है, जायसवाल 7वें पे है, और विराट 8वें पे है टेस्ट रैंकिंग्स में, और टीम इंडिया के प्लेयर्स का ही राज है। बाबर आजम डिजर्व नहीं करता, बाबर आजम का पिछले 2 साल में टेस्ट क्रिकेट में 150 नहीं है, बाबर पिछले 2 साल से टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम की 20 की एवरेज है, मतलब 14 इनिंग्स में बाबर का 0.50 है, 20 की एवरेज है, 280 रन है बाबर आजम के। आप किस तरह जस्टिफाई कर सकते हो? अभी भी इस घंटे के फैन सोशल मीडिया पे बवू कर रहे हैं कि बाबर के साथ ज्यादती होगी या फलाना होगा तो टमका। अब भाई शर्म कर लो थोड़ी सी, हया कर लो थोड़ी सी, अब वो टॉप 10 से बाहर होगा, अब वो किसी भी रैंकिंग्स में आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो कभी रैंकिंग्स वाला प्लेयर था ही नहीं, ये छोटी मोटी टीमों को मार मूर के वो बस आगे पीछे हो गया, वो कभी कभी टॉप रैंकिंग्स वाला प्लेयर था ही नहीं। वो बाबर आजम कभी अच्छी रैंकिंग्स वाला प्लेयर नहीं था, और ये बाबर आजम की बैड फॉर्म नहीं लगी हुई, ये बाबर आजम असली बाबर आजम है, ये जो अब खेल रहा है ना, ये वो असली वाला बाबर आजम है। मतलब आप कह रहे हो कि बाबर बैड फॉर्म, तो बाबर बैड लक, तो बाबर घंटे गए, इतनी लंबी बैड लक किसी की नहीं होती, तो ये बैड लक नहीं होती, आप बाबर की फिटनेस देख लो, मतलब बाबर आजम का पेट बाहर निकला हुआ है, बाबर के चीचे बाहर आए हुए हैं, तो ये आप फिटनेस पेट कम करें ना। अब तो ICC ने भी तीसरे से उठा के 9वें में फेंका है, तो अगले मैच में 9वें से डायरेक्ट 20वें पे जाएगा। घंटे की रैंकिंग कोई क्राइटेरिया नहीं है, आज बाबर आजम 3 से 9 पर आ गए, क्या क्राइटेरिया? मैं बता रहा हूँ ICC वालों, ये नहीं करना, मेरे किंग ने इस रैंकिंग के लिए ही क्रिकेट खेली है, इस रैंकिंग के लिए ही ये टीमें बनी है सोशल मीडिया पे, इस रैंकिंग के लिए ही पता नहीं किन किन बच्चियों के नाम से फेक आइडिया बनी है जो लोगों को बुरा भला कहती है, इस रैंकिंग के लिए ही USA से हारी है मेरी टीम, इस रैंकिंग के लिए जिम्बाब्वे ने मारा, इस रैंकिंग के लिए अफगानिस्तान ने लिटा के मारा चिनाई में, इस रैंकिंग ने पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह कर दी, इस 2 टके की घंटे की रैंकिंग ने पाकिस्तान 13-14 इनिंग ली तुमने 3 से इसको 9 पे लाने में, ये तो फेल है। मेरा बाबर टाइम पे कैसे गया? ICC ने गलत किया, जब से जैसा आया मैंने क्या कहा, साजिश हो गई, इसको रैंकिंग से बाहर करो, क्योंकि रैंकिंग में जैसा ने कहीं सूट नहीं कर रहा रैंकिंग में, जैसे ये 10 के बाहर होगा ना एक आवाज आएगी टेस्ट की रैंकिंग जारी की है, और इसको देख के एकदम से हैरानगी होगी कि भाई एक टेस्ट मैच की बुनियाद के ऊपर आपने बाबर को नंबर 9 पे फेंक दिया, नंबर 3 से नंबर 9 पे फेंक दिया, -6 जिसको कहते हैं ना, बाबर की रेटिंग गिरी है। इसी के साथ साथ जो इंडिया के प्लेयर्स हैं उन्होंने तबाही मचाई हुई रैंकिंग के अंदर, एक साथ ऊपर जा रहे हैं, रोहित शर्मा नंबर 6 के ऊपर है, जायसवाल नंबर 7 के ऊपर है, 8वें के ऊपर है विराट कोहली, और 9वें के ऊपर है बाबर आजम। बाबर आजम टेस्ट के अंदर कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही, और बाबर आजम की ये रैंकिंग बिल्कुल मैं समझता हूँ कि सही है, बाबर आजम ने क्या से क्या कर दिया। जो लोग ये बातें करते हैं रैंकिंग मैटर नहीं करती होती, विन मैटर करते होते, भाई साहब रैंकिंग मैटर करती है। बाबर आजम पिछले जिसको कहते हैं 3 ऑस्ट्रेलिया के, 2 श्रीलंका के, 5 टेस्ट मैचेस के अंदर फेल ही हुआ है, उन मैचेस के फेल होने के बावजूद वो टॉप 3 के अंदर था, बांग्लादेश वाले मैच के अंदर वो जो फेल हुआ है उसके बाद वो सीधा नंबर 9 के ऊपर आ गया। हमारे नकली किंग साहब को उनकी जगह पे लाके छोड़ दिया है, या ये कह लें कि हमारे नकली किंग साहब को ICC ने आज औकात दिखा दिया तो कुछ गलत नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूं बाबर आजम की। बाबर आजम ICC की टेस्ट रैंकिंग में इससे पहले नंबर 3 पे मौजूद थे, लेकिन आज बाबर आजम नंबर 3 से सीधा नंबर 9 पे जा चुके हैं, नंबर 9 के ऊपर। और बाबर आजम की पिछले 2 सालों में जैसी परफॉर्मेंस है ना, नंबर 9 पे होना भी शायद बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि पिछले दो सालों में टेस्ट में बाबर आजम 150 तक नहीं लगा सके हैं, तो उसके बाद नंबर 9 पे भी शायद टॉप 10 में भी होना बनता नहीं था, ठीक है। लेकिन कम अज कम आज वो जो रैंकिंग कार्ड खेला जाता था ना हमेशा पाकिस्तान के हारने के बाद, बाबर आजम के आउट होने के बाद, ओ जी बाबर पे क्या बात कर रहे हो, बाबर तो टॉप 5 में आ रहा है टेस्ट में, बाबर के हवाले से तो बात करने की आपकी औकात ही नहीं है। आज के बाद वो रैंकिंग कार्ड जो है ना वो खेलना लोग शायद बंद कर देंगे, क्योंकि अब जो है वो बाबर आजम टॉप 5 में मौजूद नहीं है, और इतना बड़ा झटका कि नंबर 3 से सीधा नंबर 9 में चले गए हैं। और आईसीसी की जो टेस्ट की रैंकिंग है ना, सबसे बड़ी अफसोसनाक चीज क्या आपको मालूम है, वो यह है कि पाकिस्तान का टोटल एक बल्लेबाज टॉप 10 में मौजूद है और वो बाबर आजम है, बाकी कोई भी बल्लेबाज पाकिस्तान का टॉप 10 में मौजूद ही नहीं है। और इंडिया के अगर देखा जाए ना तो इंडिया के जो है टॉप 10 में 3 बल्लेबाज मौजूद हैं, जिनमें रोहित शर्मा, विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल। रोहित शर्मा जो है वो इस टाइम जो है नंबर 6 पे मौजूद है, विराट कोहली नंबर 8 पे और यशस्वी जायसवाल नंबर 7 पे मौजूद है, और पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान नंबर 11 पे मौजूद है। कितने पे? नंबर 11 पे। 18 से रिजवान 11 पे आए, क्योंकि आपको मालूम है कि लास्ट मैच में रिजवान ने सेंचुरी भी लगाई थी, उसको तो फायदा हुआ, लेकिन बाबर आजम नंबर 3 से सीधा नंबर 9 पे चले गए हैं भाई साहब, नंबर 9 पे। और वो जो हमेशा रैंकिंग कार्ड खेला जाता था ना कि हम आके बताया करते थे जी बाबर आजम फेल हो रहे हैं, पिछले दो सालों से 50 नहीं आ रही है, तो हमें रैंकिंग बताई जाती थी कि यार तुम लोग तो बिला वजह बाबर को क्रिटिसाइज करते हो, बाबर तो जो है टॉप 5 बल्लेबाजों में आ रहा है टेस्ट में, तुम्हारी औकात नहीं है बाबर के हवाले से बात करने की। तो भाई साहब आज देख लो, आज के बाद शायद वो रैंकिंग कार्ड जो है ना वो कोई नहीं खेलेगा। सिर्फ एक इनिंग चाहिए उसको, सिर्फ एक इनिंग। और ये भी आपको बता दूं, ये अभी रन्स भी करने लग जाएगा ना, सारे बोलेंगे अभी बांग्लादेश के खिलाफ फेल हुआ ना, ओ जी बाबर ने मरवा दिया, मतलब बाबर ही करवा रहा सब कुछ और कुछ भी नहीं कर रहा। अब तो वो कप्तान भी नहीं है, अभी देख मेरी बातें याद रखिएगा, अब वो कप्तान नहीं है, उसके बावजूद ही ब्लेम बाबर पे आ रहा है, ओ जी पाकिस्तान क्रिकेट जी बाबर ने बर्बाद की। नहीं जी, बाकी तो सारे ये 90s वाले घुसे हुए जो क्रिकेट बोर्ड में 36 दफा आपका चेयरमैन चेंज हो जाता है, पूरी पूरा क्रिकेट का सिस्टम चेंज हो जाता है, ठीक है, वो क्रिकेट बर्बाद नहीं कर रहा, बाबर ने क्रिकेट बर्बाद की, क्योंकि जब बाबर कप्तान था जी, बाबर दोस्ती यारी, अब क्या हो रहा है, अब तो बाबर नहीं है, अब ना दोस्ती यारी ना कौन है, अभी भी पता क्या बोल रहे होंगे लोग, ओ हो जी बाबर नहीं है ना कप्तान, कोई मसला नहीं, लेकिन अभी भी उसकी पावर है। अबे यार खुदा का नाम लो यार, खुदा का नाम लो, ठीक है, उसकी अचीवमेंट भी है, उसके एवरेजेस देखो तीनों फॉर्मेट के अंदर, बेशक सबके दिमागों में मैचेस नहीं जितवाता, ये नहीं करता वो नहीं करता, ठीक है, आप अपनी टीम की हालत देखो पहले, सही है ना, टीम की हालत देखो ऊपर से लेकर नीचे तक, कोई खड़े होने वाला है विकेट पे जिसके बाद वो कुछ करे भी, ठीक है, प्लेयर्स टीम में ला के दो। अब ये मत समझना मैं बिला वजह की बाबर को फेवर कर रहा हूं, नहीं, उसके मैंने आपको इतनी बड़ी बात बोली थी, इसी टीम के साथ विराट कोहली को ला के बिठा दो, मैं देखता हूं विराट कोहली कितने मैचेस जितवाता है, समझ आई। तो अपने प्लेयर को जो ये दुकानें चमकाते हैं ना अपनी सोशल मीडिया में, जाहिर पता है इनको कुछ पता ही नहीं है, तो अपने प्लेयर को जिस तरह अपने मकसद के अपने मतलब के प्लेयरों को सपोर्ट करते हो ना, इस तरीके से बाबर को भी सपोर्ट करें भाई, ठीक है, उसको आपके सपोर्ट की जरूरत है। बात सीधी ये, वो सोशल मीडिया में बात ही नहीं करता, ना किसी को इंटरव्यू देता ना कुछ, आज वो सोशल मीडिया में बात करने लग जाए ये सारे चुप हो जाएंगे।